इस बार रायपुर में फ्रेंडशिप डे पर सिंगर दशर रावल ने जोरदार परफॉर्मेंस किया। रविवार के शाम हुए आयोजन में रावल के गानों पर रायपुर के लोग जमकर झूमे। जश्न ए यारी थीम पर नवा रायपुर की निजी यूनिवर्सिटी में दर्शन रावल पहुंचे हुए थे। कॉन्सर्ट के दौरान कुछ फैंस ने उन्हें फ्रेंडशिप बेल्ट भी दिया, जिसे उन्होंने अपने कलाई पर तुरंत बांध लिया। रायपुर के फैंस का प्यार देखकर मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने भी सभी को फ्रेंडशिप डे की बधाई दी। इस दौरान कुछ फैंस ने उन्हें अपने हाथों से बनाया स्केच और सीक्रेट गिफ्ट भी किए। ये सिंगर ने लेकर उनके साथ तस्वीर भी ली, साथ ही कई लोग उनके साथ ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने की होड़ में लगे रहे। कभी मेरी याद तुम्हें आएगी, जिक्र तेरा, हवा बन के जैसे सुपरहिट सॉन्ग देने वाले दर्शन रावल के गानों ने रायपुर में समा बांध दिया। उनके रोमांटिक गानों से लाइव कंसर्ट माहौल भी लाइट हो गई। कई कपल प्रोग्राम में डांस करते दिखे, कई फ्रेंड्स के ग्रुप भी झूमते नजर आए। इस प्रोग्राम के एंट्री पास लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा था। इस कॉन्सर्ट में मनपसंद सिंगर को अपने सामने देखने और लाइव सुनने के लिए कई युवा पहुंचे थे। दर्शन ने अपने कैरियर में बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में शेरशाह, लव यात्री में अपनी आवाज दी है। इसके अलावा उनके एल्बम सॉन्ग भी काफी फेमस हुए हैं। दर्शन रावल 18 साल की उम्र से ही अपने सिंगिंग के चलते लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। छुगाड़ा तारा, हाई बीट गरबा जैसे सॉन्ग ने उनके फैंस लिस्ट में और करोड़ों लोगों का नाम जोड़ दिया। 1994 से गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे दर्शन 2013 से ही म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इंडिया राइज स्टार से वे बड़े फेमस हुए थे। दर्शन ने शुरुआती समय में अपने चैनल पर खुद का एल्बम लॉन्च किया, जिसमें 13 जिक्र सॉन्ग लोगों ने खूब पसंद किया था, जिसे अब तक 284 मिलियन लोग देख चुके हैं। 2019 में उन्होंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सॉन्ग रिएक्ट वर्जन करके गाया था, वो भी काफी हिट हुई थी। वे एक टीवी चैनल के रियलिटी शो से भी जुड़े रहे, जहां के अनुभव उन्होंने सोशल मीडिया में साझा करते रहे। Oh,